मैं आप लोगों को पोषण वाटिका के बारे में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास घर के पीछे में या फिर सामने जहाँ पर भी थोड़ा सा जगह हो, वहाँ पर आप पोषण वाटिका को ज़रूर अपनाएं। बागवानी क्या है, एक रुचि का चीज़ है, इसमें बच्चे भी भाग ले सकते हैं, घरेलू महिलाएं भी भाग ले सकती हैं, आप भी अपना पार्ट अने समय देकर पार्ट टाइम उस पर काम कर सकते हैं और अपने घर पे ही स्वस्थ सब्जियां और फिर ताज़े सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं और अपने अपने घर पर ही सब्जी उगाकर आप 2500 रुपया प्रति महीना बचा सकते हैं। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर किस प्रकार की सब्जियों को उगाना है। हम लोग ऋतु जैसे मौसमी सब्जी उगाते हैं, बैंगन है, गोभी है, टमाटर है, बरबट्टी है, कुछ कंद फसलें हैं, मिर्च हैं, इस सभी फसलों को इस तरह से उगाना है ताकि हमको वर्ष भर वहाँ से सब्जी आमदनी प्राप्त होता रहे। जैसे हमारा ये बाड़ा है, बाड़ा के किनारे किनारे हम नार या कद्दू वर्गीय फसलों को लगा सकते हैं ताकि नार का भी बाड़ी का भी सदुपयोग हो सके। इसके अलावा जहाँ पर मेड़ रहता है, जहाँ पर हम लोग क्यारी बनाते हैं उसका जो मेड़ रहता है, वहाँ पर हम गाजर लगा सकते हैं, मूली लगा सकते हैं और फिर और भी धनिया लगा सकते हैं। और जैसे हमारा जो ये दिख रहा है यहाँ पर पालक यानी जो पत्तेदार सब्जियाँ हैं, लाल भाजी है, मेथी भाजी है, पालक भाजी है, ये सबको हम लोग वहाँ पर लगा सकते हैं। इस टाइप से यहाँ पर क्या है, पूरे फसल चक्र को अपनाते हुए हमको सब्जियों का उत्पादन करना है और अपने परिवार के लिए दोनों टाइम का सब्जी निकल जाए, इस टाइप से इसको व्यवस्थित रूप से करना है। अम्मा जी मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने, आप भी चलो ना। फार्म स्कूल जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाए, जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम लहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, भारत का। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हर को वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी, अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली, आसान हुआ फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना, अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण का आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा,
बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, छत्तीसगढ़ में मछली पालन की बहुत संभावनाएं हैं। कारण ये है कि यहाँ का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और वर्षा 1200 से 1600 मिलीमीटर के बीच होती है और ये दोनों ही परिस्थितियाँ मछली पालन के लिए बहुत उपयोगी है। साथियों, यदि मछली पालन किसी अन्य फसल के साथ किया जाए तो ये ज़्यादा लाभकारी होता है। इसे ही समन्वित मछली पालन कहते हैं। आपको समझाने के लिए कि समन्वित मछली पालन क्या है और कैसे किया जाए, इस विषय में हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मत्स्य विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संध्या रानी गौर और सहायक प्राध्यापक श्रीमती सुलोचना भुइयां। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मछली पालन के संबंध में और समन्वित मछली पालन के संबंध में आपकी अगर कोई उत्सुकता हो, आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। तो साथियों, चलिए आइए जानते हैं कि समन्वित मछली पालन क्या है। डॉक्टर संध्या रानी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को यही बताइए कि समन्वित मछली पालन क्या है और इसका क्या महत्व है। जी, समन्वित मछली पालन का अर्थ ये है कि जैसे हम मछली की फसल तो ले ही रहे हैं जी, पर मछली के साथ साथ अगर हम और भी कोई फसल लेते हैं जी जी उसी क्षेत्र से जी जी, जैसे समझ लीजिए कि आपके पास 2 एकड़ का खेत है जी या तालाब है, तो उसी के साथ साथ हम मछली के साथ धान भी ले सकते हैं या बतख भी ले सकते हैं या मवेशी भी ले सकते हैं जी। तो इस तरह से ये 2 या 3 फसलों को जब हम मछली के साथ जोड़ लेते हैं जी जी, तो हम उसको कहते हैं समन्वित मछली पालन। जी जी जी। डॉक्टर सुलोचना, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कितने प्रकार से ये मछली पालन, समन्वित मछली पालन किया जा सकता है। समन्वित मछली पालन के लिए जैसा कि मैडम ने बताया कि हम मछली के साथ में जी और कोई उत्पाद जैसे जी जी पशुपालन, सिल्क का कल्चर अच्छा, या फिर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स मतलब फल सब्जी, इस तरह से हम उनको भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जी, उनके जी, साथ में उसको समन्वित करके हम उसको ले सकते हैं जी जी जी। और मुख्यतः ये समन्वय जो होता है इससे बहुत इसका महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि क्या है कि इसमें आपस में इंटर साइक्लिंग होती है, मतलब जैसे बतख है तो बतख की विष्ठा मछली के लिए भोजन के काम आती अच्छा, है अच्छा। और बतख जो तालाब में तैरती है उससे बहुत अच्छा उसमें ऑक्सीजनेशन होता है जी जी, एरेशन होता है जिसकी वजह से मछली को बहुत स्वस्थ वातावरण मिलता है जी जी। तो बतख और मछली दोनों इस तरह से बहुत अच्छे से बढ़ते हैं, यानी आपका लागत कम लगेगी और फायदा आपको बहुत ज्यादा होगा जी जी, और एक सीमित क्षेत्र में आप 2 से अधिक फसलें ले सकते जी हैं जी। ये सबसे ज्यादा इसके महत्व की बात है जी जी जी, जी। सुलोचना मैडम, यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान की फसल उगाई जाती है, तो क्या धान के साथ में भी हमारे किसान भाई मछली का पालन कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, धान के साथ में भी मछली उत्पादन किया जाता है जी। उसके लिए एक जिस क्षेत्र में हम धान उत्पादन कर रहे हैं और अगर वो क्षेत्र हमारा निचली सतह पर है जहाँ पानी ज्यादा जमा रहता है, ज्यादा पानी निकासी नहीं हो पाती है, बहुत समय तक धान उसमें रह जाता है, तो ऐसे क्षेत्रों का चयन हम कर सकते हैं, उसमें हम मछली पालन कर सकते हैं। धान तो है ही है वहाँ पे, हम मछली भी पालन कर सकते हैं वहाँ पे। इसके साथ में हम उसके लिए कुछ अलग तरीका भी अपना सकते हैं कि हम बीच में गड्ढा कर लें जी, कि जब हम धान काटेंगे जी, तो वो मछलियां वहां आके रुक जाएंगी और अपना धान हम निकाल लेंगे। अच्छा अच्छा। और साथ ही साथ में जो पानी जी, जी पहले हमारे एक दर्शक का फोन सुन ले। हेलो हेलो जी, 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 नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं और आप क्या पूछना चाहते हैं? अपना परिचय दीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। जी जी जी, मैं योगेश कुमार जांगड़े बोला हूँ, तिरवा बांधा जमेदरत। जी योगेश जी, पूछिए अपना प्रश्न।
जी 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 जैसे कि हम समन्वित मछली पालन करना चाहते हैं जी, तो एक अंतर्गत हम कौन कौन से मछली का एक साथ डाल या पालन कर सकते हैं? अच्छा डॉक्टर संजय बताइए। देखिए समन्वित मछली पालन में हम जैसे बतख के साथ अगर हम कर रहे हैं जी, तो कतला रोहू मृगल कॉमन कार्प जो अमेरिकन रोहू जो कहते हैं ये जो कॉम्बिनेशन में हम सामान्यतः पालते हैं जी, जी, उसी तरह से बतख के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कतला वगैरह कतला ऊपरी सतह पे रहती है, रोहू मध्य सतह पे रहती है और मृगल और कॉमन कार्प निचली सतह पे रहती है, तो इस तरह से हम बतख के साथ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक से धान की बात है जी जी, तो धान के साथ अगर हम मछली पाल रहे हैं तो हमको प्रजातियों पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा जी जी। तो उसमें क्या है कि जो दलदली क्षेत्र में जो मछली जीवित रहती जी है जी, जैसे कि मागुर है, कॉमन कार्प है, तो इस तरह या तिलापिया है जो कुछ भी खा के मतलब बढ़ जाती हैं, वो उसकी फूड हैबिट बहुत वो रहती है जी, हर चीज खा लेती हैं, तो इस तरह की मछली धान के साथ अच्छी रहती है। अच्छा, तो ये निर्भर करता है कि आप किस तरह से समन्वय कर रहे हैं जी, जी, तो धान के अलावा बाकी जितने भी हैं जी, उसमें सब में हम कतला रोहू मृगल अमेरिकन रोहू ये साथ में जिसको कॉमन कार्प भी कहते हैं जी जी, इनको हम पाल सकते हैं जी जी। सुलोचना जी, धान के साथ तो मछली पालन की संध्या दीदी ने बहुत अच्छे से बताया, अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या उद्यानिकी फसलों के साथ में भी मछली पालन किया जा सकता है? जी हाँ, उद्यानिकी फसलों के साथ में भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं इसको। जैसे तालाब है हमारा जी, तो हमारे जो मेड़ होती है तालाब की ज्यादातर वो खाली रहती है। अच्छा, वहाँ पे उत्पादन नहीं होता, वहाँ पे हम कुछ भी नहीं लगाते। अच्छा, तो हम उस जगह पे उस क्षेत्र में हम उद्यानिकी फसलें ले सकते हैं। उसमें बस सावधानी ये बरतनी चाहिए कि हमें पूर्व दिशा की तरफ हमारा जो उद्यानिकी फसलें हैं वो ना हो। वैसे फिर भी उद्यानिकी फसलें हमारी छोटी रहती हैं, ज्यादा बड़े बड़े पौधे नहीं होते उसके जी जी, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो हम उसको साथ ही साथ में ले सकते हैं, अपने तालाब के किनारों पर लिया जा सकता है। जैसे उद्यानिकी फसल में आ जाता है आपका, जैसे फूल है, मोगरा है, गेंदा है, ये आजकल देखिए इनकी कितनी डिमांड है बाजार में। तो जब मछली पाल रहे हैं तो साथ में उसकी मेढ़ों पे अगर हम फूल का खेती कर लें जी जी, तो हमारी एक्स्ट्रा इनकम है, है जी ना? जी हाँ। और उसके अलावा हम दूसरी जो कम हाइट की जो फसलें रहती हैं जैसे कि केला है, आपका पपीता है, आपने सामान्यतः देखा भी होगा कि तालाब के किनारे ये सब लगे रहते हैं जी, तो इनमें फायदा। पहले हम एक साथी का फोन सुन लें। हेलो हेलो नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? जी जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अपना कुआं में मछली डालते हैं जी, तो बढ़ता क्यों नहीं है ज्यादा? अच्छा, इन्होंने कुआं में मछली डाली, बढ़ती नहीं है? देखिए कुएं में मछली बढ़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है जी, क्योंकि कुआं बहुत गहरा होता है जी, और बहुत गहरा होता है और वो सूर्य की रोशनी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। अच्छा अच्छा, और मछली पालन के लिए 5 फीट या 5.5 फीट मतलब या कहिए 3 मीटर जी तक की गहराई जो है तालाब की वो काफी होती है। अच्छा, क्योंकि सूर्य की रोशनी जब तक वहाँ नहीं पहुँचेगी पानी में, तब तक जो मछली का प्राकृतिक भोजन है जी, जिसे हम जंतु प्लवक या वनस्पति प्लवक कहते हैं, वो तैयार नहीं होता। अच्छा, और वो तलछट पे भी सूर्य की रोशनी पड़ना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि वहाँ पूरा ऑर्गेनिक लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जी जी, और अंधेरे में तो आप जाहिर है कि आपका ऑक्सीजन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा जी जी, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से फिर श्वास लेने में मछलियों को तकलीफ होती है जी जी, तो मछली बड़ी मुश्किल से सिर्फ जिंदा रह पाती है। अच्छा, उसमें ग्रोथ कभी नहीं आएगी जी जी, तो इसलिए कुएं में मछली अगर आपको पालना ही है जी जी, तो आप एक विशेष है मागुर जी, मागुर मछली आप पाल सकते हैं बस, क्योंकि वो क्या है निशाचर मछली। अच्छा, वो रात में घूमती है और वो पानी के अलावा हवा से भी ऑक्सीजन ले सकती। अच्छा अच्छा, लेकिन उसके लिए भी आपको मतलब जब मछली पकड़ना निकाल के जब बेचने चलेंगे आप, तो आपको बहुत दिक्कत जाएगी। अच्छा, इतनी गहराई में जी जी, तो हमारी सलाह यही है कि 3 मीटर से ज्यादा गहरा कोई भी स्थान ना चुने, वाटर बॉडी हो तो उसमें मछली पालन ना करें। अच्छा अच्छा जी। सुलोचना जी, मछली पालन उद्यानिकी के साथ में और फसल के साथ में तो हमने सुन लिया, बहुत से हमारे जो किसान भाई है वो जानना चाहते हैं कि पशुपालन और मछली पालन क्या साथ साथ किया जा सकता है, जबकि ये दोनों अलग अलग व्यवसाय हैं? जी जी,
इसमें पशुपालन तो ऐसे भी हम गाँव में करते ही अमूमन करते ही हैं जी जी, लेकिन वही है कि हम जो तालाब का किनारा है जी उसमें हम अगर उनको पालें तो क्या है कि उसका जितना भी गोबर है, जितना भी उसको नहलाते धुलाते हैं, तालाब में लेके जाते हैं नहलाने के लिए, तो उसको हम किनारों पे पालें ताकि वो उनसे जितना भी कचड़ा है उसका वो उसमें आए और उससे उत्पादन बढ़े। सुलोचना जी, एक साथी का फोन सुन ले पहले। हेलो, हेलो जी, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? नरेश राम बाली जी, जी नरेश जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? दीदी, मैं अपना आपकी कौन सा मछली पानी करूँ कि जो ग्रोथ बढ़े, मछली जो मैं सप्ताह में खाता हूँ मछली जी जी, तो कौन सा मछली पालूं मैं कि बड़ा हो जी? उत्पादन की दृष्टि से इन्हें कौन सा मछली पालन करना चाहिए, अधिक मिले ऐसा उत्पाद? देखिए, सबसे तेजी से बढ़ने वाली मछली तो कतला है जी हाँ, और इसका बीज भी इसीलिए थोड़ा सा महंगा आता है बाकी मछलियों से। जैसे बाकी मछली का अगर 250 में 1000 आते हैं जी, तो बीज जो है जी, तो वो इसके 500 में 1000 आते हैं। अच्छा, लेकिन बीज हमेशा सही जगह से लें, शासकीय या प्राइवेट हैचरी भी कोई अच्छी स्टैंडर्ड की हो वहाँ से लें, क्योंकि इसमें बहुत मार्जिन रहता है। अच्छा, क्या होता है कि आपको 1000 बोल के कभी कभी 600-700 बच्चा दे देते हैं जी जी जी, या कोई दूसरा मछली का बच्चा मिला के दे देते हैं, तो ये इसमें ध्यान रखें जी। तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा बढ़वार हो जी, तो कतला, रोहू, मृगल, अच्छा, और वही कॉमन कार्प, ये आप पालें साथ में। और आजकल हमारे किसान, इसमें मैं यहाँ कहना चाहूंगी, हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत से किसान आजकल वो थाईलैंड मागुर, अच्छा, या जो मागुर होती है वो जी जी, बाहर वाली, उसके उसको पालने के चक्कर में पड़े हैं, जो कि बिल्कुल नहीं पालना चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो बढ़ती तो बहुत तेजी से है, लेकिन वो ये है कि वो अपनी ही प्रजाति को खा लेती है जी जी, और जैसे आप जाल से उसको निकालने के लिए हाथ डालेंगे तो आपके हाथ को ही काट लेगी। अच्छा अच्छा, तो इस तरह से थाईलैंड मागुर को बिल्कुल ना पालें जी, क्योंकि वो बहुत तेजी से बढ़ती है, इसलिए लोगों को भ्रम है कि हमें ये पालने से फायदा होगा जी जी, बल्कि देशी मागुर पालें। देशी मागुर का बहुत अच्छी मतलब मेडिसिनल वैल्यू, दवाई का भी बहुत अच्छा है जी जी, स्वाद में भी बहुत अति उत्तम है जी जी, कम ऑक्सीजन में जीवित रहती है जी जी जी, तो वो भी आप पाल सकते हैं, लेकिन तेजी से बढ़ने की बात। मैडम, तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जी जी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा मत। कहाँ चले? हमको मंडी जाना है। अच्छा, देख रही, अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो, अंदर जाओ। भाव कहाँ खा रहे, भाव तो दिए हैं, दहेज दिए हैं, मतलब भाव दिए हैं, खरीद लिया है आपके बेटे को, इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा भी। पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी। चलो, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। सुलोचना मैडम, इस प्रश्न के पहले हम चर्चा कर रहे थे कि पशुपालन के साथ साथ मछली का व्यवसाय कैसे किया जा सकता है जी। हम बात कर रहे थे जैसे कि गायों को, भैंसों को और सुअर, सुअर अगर कई जगहों पे सुअर पाले जाते हैं तो सुअर को हम जो तालाब के मेड़ जो है, अच्छी खासी बड़ी मेड़ होती है, उस पे हम उसका रहने की व्यवस्था कर दें, और इस तरह से उसका जो धोवन जो धोवन है वो सब वापस उसी में आ जाता है, तालाब में आ जाए, इस तरह से हम व्यवस्था करें उसकी कि पूरा उसका सारा कचरा जो है, जितना भी धुला हुआ सामान है या उसका यूरिन है या जितना भी डंग है वो सब उसमें आ जाए, तालाब में आ जाए, जिससे क्या है, प्राकृतिक उत्पादकता जो है तालाब की जी, जी। वो बढ़ती है, और उससे हमारा जो प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन अपने आप मछलियों का ज्यादा आएगा जी जी जी। इसके अलावा जो गोबर है जी, उसका एक और उपयोग है जी, जैसे जो हम मछली को खाना देते हैं खल्ली और कोड़ा जी जी, तो उसको गोबर के साथ मतलब मिला के ऐसे लड्डू जैसे बना लेते अच्छा। हैं,
तो वो क्या है कि एक बाइंडर का काम करता है गोबर जी, और वो जो उनकी बास्केट लगी होती है तालाब पे उसमें अपन डाल देते हैं उनको लड्डुओं को जी। तो इससे क्या होता है जो खाने की चीजें हैं उनका वेस्ट कम होता है। अच्छा, तो खल्ली कोड़ा जो मछली का भोजन परिपूरक आहार के रूप में हम देते हैं जी, जी। उसके लिए भी गोबर काम आता है जी। गायों को बहुत अच्छा स्वच्छ वातावरण मिल जाता है जी। मछली को बढ़िया नाइट्रोजन वाली खाद मिल जाती है जी, जी। तो इस तरह से दोनों स्वस्थ वातावरण में रह के जी, जी। और बहुत अच्छे से पलते हैं, और गाय तो अमूमन हमारे यहाँ पालते ही हैं जी, जी। तो ये बड़ा फायदेमंद हो जाता है जी। जी, आपने बताया कि गाय का गोबर उपयोगी है, लेकिन कुछ हमारे किसान भाई सुअर के साथ में भी मछली पालन करते हैं, वो किस तरह से लाभदायक है? सुअर के साथ भी करते हैं, वैसे अपने देश में तो ये इसका प्रचलन कम है जी, जी। लेकिन जैसे बाहर इंडोनेशिया मलेशिया जहाँ सफेद प्रजाति सुअर की पाली जी, जाती है जी। वहाँ क्या है वो प्रजाति जो सुअर की रहती है जी, वो खाती है आपकी फॉडर क्रॉप जो बरसीम जो होता है, बरसीम जो अपन खिलाते हैं गायों को वही खाती है। अच्छा, तो पूरा वो साइड में बरसीम का भी खेत बना देते हैं और सफेद सुअर का दड़बा बना देते हैं। अच्छा, और फिर उसमें जो है उसका भी जो वेस्ट है जी, जी। वो भी बहुत नाइट्रोजन रिच रहता है जी, जैसे जी। आपने सुना होगा कि भाई मुर्गी खाद में बहुत अच्छा नाइट्रोजन होता है, सबसे अच्छी मुर्गी खाद मानी जाती है जी, हाँ जी। तो मुर्गी खाद से भी पिग का ज्यादा अच्छा माना जाता है जी, जी। तो इसमें यही है कि भाई आपका भोजन की बचत हो गई जी, हाँ। आपको अलग से खाद भी नहीं डालना है, जी, है जी। ना? और सुअर के लिए भी स्वच्छ वातावरण मिल रहा है और उसके लिए भी मिल रहा है जी, जी, जी। तो सबसे अधिक पालन सुअर के साथ होता जी, है मछली का। हमारे एक साथी का फोन है। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मैडम, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं, अपना परिचय दीजिए। मैं राहुल पटेल बोल रहा हूँ जी। प्रश्न पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? रीवा से बोल रहा हूँ जी। जी, अपना प्रश्न पूछिए। तो मेरे को मछली पालन के बारे में जानकारी लेने का। जी जी, आप किस तरह की जानकारी चाहते हैं? मछली पालन के बारे में तो हमारी मैडम अभी बता रही हैं शुरू से, आपकी कोई विशेष समस्या तो नहीं है? नहीं, जैसे मछली पालन के लिए क्या बोलते हैं उसके लिए, खाने के लिए मैडम क्या बोलते हैं? अच्छा, उन्हें पूरक आहार के रूप में क्या दिया जाए? जी, जैसे मैंने अभी बताया कि सामान्यतः जो खल्ली है जी, या तो सरसों की हो सकती है या मूंगफली की खल्ली जी, और धान का कोढ़ा जी, इनको 1:1 में मिला के दिया जाता है जी। लेकिन मछली की अवस्था पे भी ये निर्भर करता है जी, जी। जैसे अगर एकदम छोटे बच्चे हैं मछली के जी, तो हमको ये सब इसका चूरा बना के देना पड़ेगा पाउडर फॉर्म। अच्छा अच्छा, और अगर थोड़ी बड़ी मछली हो गई है तो फिर हम उसको लड्डू टाइप का बना के दे सकते हैं जी, जी। और किसान भाई इतना नहीं कर पाते, अगर लेबर का प्रॉब्लम है जी, तो उसका एक तरीका है कि जो बोरे होते हैं जी, बोरे में पूरा ये धान का कोड़ा और खल्ली का चूरा जो है वो भर के किनारे से लटका दीजिए तालाब। अच्छा, में जी, जी। और वो क्या है उसमें थोड़ा सा सुई से छेद कर दीजिए जी, जी। तो मछली आके वहाँ से खाना खा के अपने आप चली जाती। अच्छा, है वो अच्छा। जितना उसको खाना है वही खाएगी जी, जी। तो ये एकदम लेमैन तरीका है, मतलब सामान्य है अगर आप वो नहीं कर सकते तो व्यवस्था। लेकिन ज्यादा अच्छी व्यवस्था ये है कि आप सुबह और शाम का टाइम फिक्स करें जी, और उसका एक बास्केट लगा रहता है जिसमें आप वो खाना डाल देते हैं और वो बास्केट नीचे तालाब में जाता है जी, जी। मछलियां खाना खाती हैं, फिर वो बास्केट वापस आ जाता है। अच्छा। इसमें क्या होता है खाने का नुकसान कम होता है जी। तो कतला रोहू मृगल का खाना तो यही है जी, जी। और इसके अलावा अगर दूसरी मछलियां हैं जैसे मागुर वगैरह जी, जी। तो इनको थोड़ा सा मांसाहारी भी देना पड़ता है जी। तो उसके लिए जो स्लॉटर हाउस वेस्ट है या जो लोकल मछली है इनको उबाल के जी, और फिर इनको दिया जाता है। अच्छा अच्छा, सुलोचना मैडम आपने शुरू में बताया था कि सिल्क उत्पादन के साथ में भी मछली पालन किया जा सकता है, ये किस तरह से किया जाता है हमारे किसान भाइयों को बताइए। सिल्क उत्पादन का भी उसी तरह से है कि जिस तरह से हम सिल्क मतलब कोसा जो हम लगाते हैं अपने खेतों में जो लगाते हैं उसी तरह से हमको मेड़ों में लगाना है। अच्छा। और उससे जब हमारा जो सिल्क निकलता है उसका जितना भी कचड़ा रहता है उसको हम मछली को खाने के लिए उसको भोजन के रूप में प्रोटीन रिच दिया जाता है। जो कोकून होता है जी, जी। जब बच्चा निकलने के बाद जो कोकून वो रह जाता है, वेस्ट हो जाता है जी, जी। तो जो कोकून है उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता जी, है जी। और मछली में चूंकि प्रोटीन बहुत होता है तो उसको खाने के लिए भी प्रोटीन। संजय जी, हमारे एक साथी का फोन है। हेलो हेलो हेलो, मैम। हाँ नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं, परिचय दीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। संदीप छिया बोल रहा हूँ मैम, रायपुर से, रायपुर छत्तीसगढ़ से जी। जी, पूछिए क्या पूछना है आपको।
मैम अगर मैं मछली पालन, यंग एज लड़का हूँ, 25 एज है मेरी। अच्छा, अगर मैं मछली पालन करता हूँ तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा मैम मुझे? जी बहुत अच्छा प्रश्न है, मछली पालन के समय में क्या सावधानी रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो जो स्थल आप चुन रहे हैं जी, वो स्थल मछली पालन के लिए उपयुक्त होना चाहिए जी। क्योंकि देखिए क्या है कि आपने ऐसी जमीन चुन ली कि वो जमीन में पूरा पानी जो है वो पूरा सीपेज हो रहा है जी, तो वो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। अच्छा, है ना। आपको ऐसी जमीन चुनना है जहाँ पानी ठहरता हो जी, तो क्ले लोमी जिसको बोलते हैं, मतलब काली मिट्टी और थोड़ा सा उसमें लोमी सॉइल हो, मतलब अच्छा, रेतीली हो, रेतीली हो, जिससे क्या है कि वहाँ पे पानी रुकेगा नहीं। अच्छा, तो पूरा सीपेज हो जाएगा। और प्रायः आप मतलब जैसा अपन देखते हैं कि वर्षा का पानी अपने आप कहीं लो लाइंग जगह में रुकता है जी, तो वो वैसी जगह चुनेंगे तो आपको क्या है कि मोटर से लगा के पानी भरने की आपको जरूरत कम पड़ेगी जी। हाँ, तो इसलिए ये चीजें आप ध्यान रखिए। प्लस आप ये ध्यान रखिए कि रोड से बहुत दूर ना हो जी, क्योंकि आपको जो भी खाद वगैरह लाना है, मछली बेचना है, तो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए जी, जी, और पानी का साधन होना चाहिए। कहीं आपका तालाब कम हुआ, पानी कम हुआ, तो पानी भरने के लिए ट्यूबवेल होना चाहिए, ग्राउंड वाटर लेवल अच्छा होना चाहिए जी, जी। इन सब चीजों का ध्यान बहुत जरूरी है मछली पालन का तालाब चुनने के पहले जी। लेकिन अगर आपके पास समझिए कि गाँव का तालाब है, पहले से ही आपके पास तालाब है जी, और आप उसमें मछली पालन करना चाहते हैं, तो फिर उसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि पानी जो है मछली पालन के लिए उपयुक्त है कि नहीं, है ना जी, जी। क्योंकि बहुत ज्यादा कई बार हम देखते हैं कि काला काला पानी हो जाता है, भूरा भूरा जी, जी, हाँ। वैसा नहीं होना चाहिए, हल्का हरा पानी है जी, तो वो उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त होती है जी, जी, और वो मछली पालन के लिए उपयुक्त होता है जी। जी सुलोचना जी, सिल्क उत्पादन के बारे में संक्षेप में बताते हुए हम इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे, आप बहुत सार में बता दीजिए जी। बाकी कार्यक्रम उसी तरह से होता है जिस तरह से उत्पादन करते हैं, बस उसी का जो जितना भी हम उत्पादन करके करने के बाद, सिल्क निकालने के बाद जितना भी कचरा रहता है वो हम डाल देते हैं जी। सुलोचना जी, संध्या दी, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी उपयोगी जानकारी दी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, नया विषय नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।